हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग दोबारा से खेलने वाले हैं कार फोर सेल्स सिमुलेटर। वेल गाइस, लास्ट वीडियो में आप लोगों को याद होगा हमने एक सुपरा खरीदी थी और उसको बेच दिया था। वेल गाइस, उसके बाद मैंने कुछ और गाड़ियां लेकर और बेची थी जिससे मैंने काफ़ी प्रॉफिट कमाया था। लेकिन भाई मेरे फ़ोन में कुछ दिक्कत है, आपको पता ही होगा ऑब्वियसली अगर रेगुलर व्यूअर हो तो, और वो स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं हो पाई। तो फिलहाल आज कार मार्केट प्लेस ऑफ है और मेरे पास है इस टाइम पर 162 हंड्रेड डॉलर्स टोटल, और एक सुपरा भी है हमारे पास और कुछ गाड़ियाँ उड़े। तो फिलहाल अभी मैं आ चुका हूँ ये यहाँ पर देखने के लिए। फिलहाल भाई लंबोर्गिनी पसंद तो आ गई है मुझे, बाकी आई डोंट थिंक मैं इसको लेना चाहूँगा क्योंकि भाई इतने औकात ही नहीं है कि हम खरीद सकें इस गाड़ी को अभी। औकात मतलब भाई पैसा नहीं है ना अभी। तो फिलहाल अभी जल्दी से कुछ गाड़ियाँ खरीदते हैं और चलते हैं अपने घर पर उन्हें एडजस्ट करने। वेल गाइस, मैंने काफ़ी सारी गाड़ियाँ खरीद ली हैं और क्या आप देखना चाहेंगे कि मैंने कौन कौन सी गाड़ी खरीदी है। लाइक तुम यकीन नहीं मानोगे, मेरे पैसे देखो सब खत्म। और ये देखो भाई, मतलब लेजिट मैंने भाई साहब पूरा का पूरा गैराज ही फुल कर दिया गाड़ी से। देखो भाई, ये सुपरा और ये सुपरा और इधर ये शेवरोले और कुछ डॉज चार्जर्स, ये पता नहीं कौन सी डलाया भाई, और उधर एक और डॉज चार्जर और एक ये अपने पर्सनल यूज़ के लिए मैंने बाहर ही खड़ी कर ली है। तो फिलहाल भाई काफ़ी सारी गाड़ियाँ मैंने खरीद ली हैं। अब कुछ ऑफ कैमरा खरीदी, कुछ ऑन कैमरा खरीदी क्योंकि भाई रिकॉर्डिंग ऐसे लगातार मैं नहीं कर पाता हूँ, मेरा फ़ोन थोड़ा बहुत दिक्कत दिखाने लगता है। क्या ही बोल सकता हूँ भाई अब इस बारे में। तो फिलहाल अब ये सुपरा है, सूप रहा है भाई कौन सी, एक सेकेंड भाई ये कुछ ज़्यादा नहीं होगा औकात के हिसाब से, 0। एक इसको कम कर लेते हैं। हाँ मैं 1,10,000 डाल रहा था वैसे, अब ठीक है मेरे हिसाब से, सूप रहा के हिसाब से 1,10,000 भाई कुछ ज़्यादा नहीं है। फिलहाल हमारी, एक सेकेंड भाई, ये रही ओडी, तो ये वही 15,000 में डाल देते हैं भाई, इसका तो इतना ही प्राइस ठीक लगता है ना ओडी का। और अगली हमारी डॉज चार्जर है, तो फिलहाल ये मैंने खरीदी है 20,000 को। डॉज चार्जर हो या शेवरोले की वो वाली गाड़ी हो, इनका प्राइस ठीक लगता है भाई वही 40,000, तो इसको 40,000 डाल देते हैं। फिलहाल एक और डॉज चार्जर है, ये 23,000 की खरीदी है, ये भी 40,000 में बेचने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी। तो जल्दी से इसका प्राइस भी हम 40,000 लगा देते हैं। और अभी एक सेकेंड भाई, ये बैग क्यों हो जाता है पता नहीं अपने आप। तो फिलहाल हमारी अगली गाड़ी रही है भाई, ये भी कुछ ऐसी है, तो इसका प्राइस भी हम 40,000 लगा देते हैं बिना किसी दिक्कत के। अगली टोयोटा सुपरा है भाई, इसको 1,00,000 लगा दें, 1,00,000 से थोड़ा ऊपर लगा दें इसको, 1,20,000 या कितना भाई, 1,20,000 ठीक है ना, क्योंकि भाई ये थोड़ी एक्सपेंसिव खरीदी है मैंने। अगली हमारी BMW है, $5,200 की खरीदी है, इसको कोशिश करते हैं हम 20,000 या अपन 20,000 डॉलर में निकाल देंगे। मेरे हिसाब से भाई इतने जानी चाहिए क्योंकि भाई मैंने ऑफ कैमरा इन सबकी मतलब फिर सर्विस वगैरह करा कर और इनको खड़ा कर लिया है यहाँ पे मैंने सब में भाई, अच्छा खासा पैसा मैंने खरीदते टाइम लगा दिया, अच्छा खासा पैसा भाई खरीदने के बाद लगा दिया, तो लाइक इतना प्रॉफिट तो आना चाहिए। तो फिलहाल लॉर्ड एस्कॉर्ट यानी कि फोर्ड एस्कॉर्ट भी अपने लगा दिए, और ये एक और डॉज चार्जर है भाई, शायद इसको भी 40,000 डॉलर में लगा देते हैं, और मेरे हिसाब से सारी लग गई हैं। अभी फिलहाल कस्टमर्स भी आने आई गेस स्टार्ट हो गए हैं। वाह होली शिट भाई, एक सेकेंड, इतनी जल्दी मेरा पूरा गैराज भर गया भाई कस्टमर से। तो फिलहाल 1,10,000 मैंने डाला है और कितने देने पर आती हैं भाई, 95,000 डॉलर देने बोल रही हैं, तो मेरे हिसाब से 1,00,000 डॉलर में इनको बात कर लेनी चाहिए। 1,00,000 डॉलर में मान जाओ है ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो राइट गाइस, हमारी पहली गाड़ी बेच चुके हैं हम 1,00,000 डॉलर की, फिलहाल यहाँ पर कूड़ा हुआ हुआ है तो इसको जल्दी से उठाते हैं ट्रैश को और इसमें रख देते हैं इसको आसानी से बड़े प्यार से। फिलहाल इनसे बात कर लेते हैं, अब ये भी आएगा, हाँ ये सुपरा लेना है, जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा उतना। तो राइट गाइस, फिलहाल सुबह हो चुकी है और रात में वो कस्टमर भागने लगे थे तो मैंने सोचा क्यों ना सुबह बात करें। हाँ मैं क्या बोल रहा था कि भाई रात में कस्टमर्स तो आते नहीं, तो इसलिए भाई मैं भाग कर जाकर मतलब, और मैंने गाड़ी से नहीं गया मैं, क्यों मैं वहाँ जाकर सोया और अब सुबह हो चुकी है फिलहाल। और ये समझ नहीं आता भाई, बार बार ये मेरे गैराज में ट्रैश कौन डाल देता है, लाइक सीट वहाँ खराब होता है ना, रोज रोज इसे ही साफ करो।
ये आखिरी हमारी कोके, मुझे लगा ये आखिरी है भाई, अभी तो इधर भी एक पड़ी है, ऐसा थोड़ी ना होता है यार। तो राइट, इसे भी जल्दी उठा के इसमें रखते हैं। हाँ जी बताइए क्या चाहिए आपको भाई। चाहिए तो बहुत कुछ, इन्हें पैसे देने की हैसियत नहीं होती है इनकी। 32,000 बस। तुम बताओ भाई, तुम कितने देने राजी हो पैसे? 35,000 डॉलर। इससे बार्गेन करके देखूं थोड़ा सा। अब इससे 39,000 डॉलर मांगते हैं, अगर ये दे देता है तब ठीक। ठीक है भाई, मान गया। 1,000 के नुकसान से मान गया भाई। और इधर ये हमारा आ जाता है अगला। ये पता नहीं कितने देना है। अच्छा ये भी ले गया भाई गाड़ी, ठीक है, ठीक ठाक थे पैसे। और सुपरा को मैं धुलवा कर लाने वाला हूँ, क्योंकि उसकी कंडीशन थोड़ी ख़राब है, तो अभी वहाँ से इसको सर्विस और धुलवा कर लाएंगे और फिर उसे बेचेंगे बढ़िया करके, महंगे प्रॉफिट से। तो फिलहाल अभी आ चुकी हैं BMW लेने के लिए हमारी शोरूम में से। तो कितने बोल रही हैं भाई? 12,000। मैंने कितने ही खरीदी है ये? 5,200 की। 15,000 तो दो यार, 15,000 दो, और ऐसा करो ले जाओ इसे। अरे गरीब ही हो क्या यार? साला जरा से पैसों में ना इनकी ऐसी तैसी हो जाती है, और ये पैसे गाड़ी खरीदना आ रहे हैं, और दिमाग खराब होता है भाई इनसे कभी कभी बार्गेनिंग करने में। ये 11,000 देने बोल रहा है भाई। क्यों तेरी 11,500 में ना मारा एक में घूम जाएगा क्या? बिल्कुल शक्ल मत दिखाइए दोबारा, औकात में रह के बार्गेनिंग किया करो। 24,000 बोल रहा है भाई वो, फिर 11,000, 1 सेकेंड, 13,000 तो दे भाई। अच्छा ये दूसरी गाड़ी खरीदना आया है? अरे मुझे लगा ये इस 40,000 वाली के इतने कम पैसे बता रहा है भाई। उसके हिसाब से ठीक था, लेकिन वो फिर भी कम थे। ये 31,000 देने बोल रहा है भाई, इससे बार्गेन करके देखें। नहीं छोड़ो, बेकार है ये, वैसे भी पैसे वैसे देगा नहीं। तो राइट गाइस, अभी फिलहाल मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इनको ये गाड़ी बेच दूँ, और अभी तो कस्टमर्स अभी और आए जा रहे हैं। सो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ गाड़ियाँ बेचकर, तब तक के लिए बाय बाय।